हेलो स्टूडेंट्स अर्लियर क्लासेज में हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स अर्लियर क्लासेज के अंदर कि जब भी किसी भी सब्स्टान्स के ऊपर हम अल्ट्रावाइलेट रेडिएशन डालते हैं तो वो सब्सटान्स उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस सब्सटांस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल से एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस तो जब भी किसी भी सब्स्टांस के ऊपर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं तो सब्सटांस के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कि इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया है अब उस सबस्टांस के कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और एक्साइट होने वाले इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एन का मतलब यहाँ पे क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं नॉन बॉन्डिंग और के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो क्या होता है कि जब भी सब पे हम रेडिएशन डालते हैं तो उस टाइम पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है ग्राउंड स्टेट के अंदर बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में जाते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल में कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर और बाइटल से ही कौन से और बाइटल में चले जाते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं जब हम उन पे रेडिएशन डालते हैं तो ठीक है तो इतना हमने अभी तक देखा है कि सब्सटेंस पे रेडिएशन डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हैं तो ये अभी हमने देख लिया है अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होती है तो क्या होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब हमें कोई एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवानी होती है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार जो भी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको स्टार से डिनोट करते हैं स्टार रिप्रेजेंट मतलब उनके ऊपर स्टार का साइन लगा देते हैं जैसे सिग्मा बोंडिंग मोलिकुलर और है ये पाई बोंडिंग मोलिकुलर और है ये नॉन बॉन्डिंग मतलब ये नॉन बॉन्डिंग और है पाई स्टार लगा हुआ है कि मतलब ये पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और है सिग्मा स्टार लगा हुआ है इसका मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और है तो देखिए किसी भी सब्सटांस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रह सकते हैं या नॉन बॉन्डिंग कौन सा है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ये नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ओर है ये भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर सिग्मा बॉन्डिंग है ऑर्बिटल है ये क्या है पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो किसी भी सबस्टांस के अंदर इस तरीके से एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है कि सिग्मा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा से ये जो सब सिग्मा में जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो तो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर सिग्मा स्टार एंटीबोंडिंग मोलिकुलर और बाइटल में जा सकते हैं पाई वाले एक्साइट होके पाई स्टार में जा सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एन वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में भी जा सकते हैं एन वाले इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में भी जा सकते हैं तो चार तरह के ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है सिग्मा से सिग्मा स्टार पाई से पाई स्टार और ये एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार ठीक है तो ये चार तरह की इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पॉसिबल होती है हमारे किसी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन उस मॉलिक्यूल के ऊपर डाली जाती है तो किस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है उसका ऑर्डर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा ये एनर्जी का ऑर्डर है ये एनर्जी इधर ऊपर इंक्रीज हो रही है सिग्मा से सिग्मा स्टार पे जाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्मा से सिग्मा स्टार पे जाने के लिए या सिग्मा से जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जाता है तो उस ट्रांजिशन के लिए हमारी एनर्जी की वैल्यू सबसे हाई होती है ये इस तरीके से दिखाया है उधर एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम देख रहे हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार पे जाने के लिए एनर्जी हमें सबसे ज्यादा रिक्वायर होगी तो इसके बाद क्या होता है हमारा पाई से पाई स्टार पे जाने के लिए जब इलेक्ट्रॉन हमारा पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाता है तो एनर्जी हमें कितनी रिक्वायर होगी सिग्मा से सिग्मा स्टार से थोड़ी सी कम रिक्वायर होगी फिर इलेक्ट्रॉन हमारा एन से पाई एन से सिग्मा स्टार में जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इससे भी कम पड़ेगी पाई वाले से भी कम पड़ेगी और जब इलेक्ट्रॉन हमारा एन से पाई स्टार में जाएगा तो सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी तो अब हम वन बाई वन ये फोर ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है अब सभी ट्रांजिशंस को हम वन बाई वन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो ये ट्रांजिशंस कौन से कंपाउंड्स के द्वारा शो की जाती है सेचूरेटेड कंपाउंड्स सेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं एल्केन्स एल्केन्स तो alkans के द्वारा इस तरह की ट्रांजिशंस शो की जाती है, में ये वाली होती है. और जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिग्मा से सिग्मा स्टार पे जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ से हम देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा है इसीलिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन सी ट्रांजिशन में होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार इसीलिए क्या होता है कि ये वाली जो ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसके अंदर सबसे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी यूवी रेडिएशंस में से सबसे कम वेवलेंथ वाली यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होगी लेस देन 200 नैनोमीटर तो हमें देखा था कि अभी लास्ट क्लास के अंदर कि जब भी कोई सब्सटेंस लेस देन 200 नैनोमीटर वाले यूवी वी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो उस तरह के कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए या उस तरह के कंपाउंड्स का यूवी स्पेक्ट्रम ऑबटेन करने के लिए हमें स्पेशल वैक्यूम टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है तो ये हमने देखा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस के बारे में तो एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन इथेन प्रोपेन एक्सेट्रा इन सभी मोलिक्यूल्स के अंदर कौन सी ट्रांजिशन होती है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये हमारा क्या है इथेन है दिस इज इथेन और ये ये जो इलेक्ट्रॉन है हम ये कह रहे हैं ये कौन सा ऑर्बिटल में प्रेजेंट है सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हम यूवी रेडिएशन डाल लेंगे ठीक है और यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो टू हंड्रेड नैनोमीटर से लेस है तो जब वो यू, यूवी रेडिएशन इसके ऊपर डाल लेंगे तो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके ये वाला कौन से ऑर्बिटल में चला जाएगा सिग्मा स्टार के अंदर चला जाएगा तो ये ट्रांजिशन कौन सी हो जाएगी सिग्मा से सिग्मा से स्टार किस तरह के कंपाउंड्स में होती है मीथेन इथेन और प्रोपेन एल्केन्स के अंदर इस तरह की ट्रांजिशंस होती है तो ये हमने देखा सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस इसके बाद अभी हम देख रहे हैं पाई से पाई स्टार कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा पाई से पाई स्टार और बाइटल के अंदर जाता है तो सबसे पहले इस तरह के ट्रांजिशंस कौन से कंपाउंड्स में होती है तो ये होती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो मीन्स पाई बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड्स में इस तरह की ट्रांजिशंस होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है ये इस तरह का ग्रुप कौन से कंपाउंड में होता है कार्बोनाइल कंपाउंड में इस तरह के कंपाउंड में क्या होता है कि जो पाई बोंड के जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले पाई बोंड के एक सिग्मा बोंड है और एक पाई बोंड है पाई बोंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये किस में चले जाएंगे पाई स्टार के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं तो इस तरह के ट्रांजिशन को बोलते हैं हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कि जब किसी भी ट्रांजिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाई टू पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर एक्साइट होते हैं तो उसको बोलते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस तो किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा है इसके बाद हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई आइसोलेटेड अनसेचुरेटेड सेंटर है अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही पाई बोंड है या दो एक से ज़्यादा पाई बोंड है लेकिन वहाँ पे उनके बीच में आपस में कंजुगेशन नहीं है जैसे एक पाई बोंड है फिर दो सिग्मा बोंड आ गए फिर एक पाई बोंड आ गया मतलब इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं आइसोलेटेड पाइबों मतलब उनके बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो जब इस तरह के पाई बॉन्ड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो पाई टू पाई स्टार वाली जो ट्रांजिशंस होती है तो वो 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ पे होती है मतलब यूवी रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 200 नैनोमीटर से कम ही होगी इसीलिए इनके लिए भी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हाई होती है लेकिन इस तरह की ट्रांजिशन जो होती है उनकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है ठीक है तो दो तीन चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कि अगर हमारे कॉन्जुगेट अन सेचुरेट सेंटर है कॉन्जुगेटेड का मतलब जब एक डबल बोंड हो सिंगल हो फिर डबल हो फिर सिंगल फिर डबल बोंड तो इस तरह के जो डबल बोंड्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्जुगेट अन सेंटर्स तो जब कॉन्जुगेटेड अनसेचुरेट सेंटर्स होते हैं तो उस टाइम पे जो एब्जॉर्बेंस होती है वो हायर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाती है मतलब जब भी अगर किसी भी कंपाउंड में अनसेचुरे मतलब कॉन्जुगेटेड अनसेचूरेटेड सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं तो उस तरह के कंपाउंड्स बहुत ही हाई वेव लेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेंगे यूवी रेडिएशंस में से और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वो लोअर हो जाएगी ठीक है तो इसमें हमने क्या देखा है कि अगर एक सिंपल डबल बोंड है या एक आइसोलेटेड डबल बोंड है तो उस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है और अगर डबल बोन्ड है तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है तो जो रेडिएशन इस तरह के कंपाउंड एब्जॉर्ब करेंगे उनकी वेवलेंथ क्या होगी ज्यादा तो ये हमने देख लिया पाई टू पाई स्टार बाद अभी हम देख रहे हैं एन टू, सिग्मा तो सबसे पहले इस तरह के कौन से शो करते हैं तो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया एन टू सिग्मा स्टार का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में सॉरी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और बाइटल के अंदर जा रहे हैं तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से कंपाउंड्स के अंदर होते हैं जिनके अंदर हीट्रो एटम प्रेजेंट होता है हीट्रो एटम मतलब का, का, मतलब एटम अदर देन द कार्बन एटम इज कॉल्ड हीट्रो एटम तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर और हाइलोजन एटम जब हमारे मोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह के कंपाउंड्स में एन टू सिग्मा टाइप एन टू सिग्मा स्टार टाइप की ट्रांजिशन ऑब्जर्व होती है तो यहाँ पे हमने जैसे दिखाया है कि ये कोई हमारा एल्काइल हेलाइड है ये कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एन इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये सिग्मा स्टार और बाइटल के अंदर चला गया है ये ये यहाँ पे सिग्मा स्टार और बाइटल है उसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया है तो हम इस ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे जिसमें एन मतलब एन जो इलेक्ट्रॉन था वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होके सिग्मा स्टार और बाइटल में चला गया है तो उसको बोलेंगे एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जैसे यहाँ पे सिक्स यह इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक ये एन वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये सिग्मा स्टार और बाइटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक चला गया है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं फाइव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने थे सिक्स इलेक्ट्रॉन तो इस तरह के ट्रांजिशन को बोलेंगे एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इस तरह की ट्रांजिशन की दिस ट्रांजिशन आर ऑफ लोअर एनर्जी हैंड्स अकर एट हायर वेव जैसे हमें पता है एन टू किस में जाना है इसको सिग्मा स्टार में सिर्फ इतनी ही एनर्जी इसको चाहिए तो इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में तो ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की ये कैसी होती है लोअर तो जब एनर्जी लोअर होती है तो वेवलेंथ क्या होगी रेडिएशन की हायर होगी क्योंकि जब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब एनर्जी कम होती है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो इसके बाद क्या होता है कि इस तरह की जो ट्रांजिशन होती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए जो भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो भी एटम हमारा प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है अगर हमारा हीटर एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस टाइम पे एंड टू सिगमा स्टार टाइप की जो ट्रांजिशन होती है उसको करवाने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखेगा उस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब ले जाना है एंड नॉन बॉन्डिंग और बाइटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और बाइटल में जब उनको ले जाना होगा तो हमें हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो कहने का मतलब जब भी हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या जो भी हिट्रो एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए उतनी ही हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा रेडिएशन की एनर्जी होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है एक हमने यहाँ पे मिथेनोल का यूवी स्पेक्ट्रम लिया और ट्राई इथाइल अमाइन का मिथेनोल तो क्या होता है सी एच थ्री ओ एच होता है और ट्राई इथाइल अमाइन क्या होता है ये इस तरीके से तीन इथाइल इसके साथ जुड़े रहते हैं ये ट्राई इथाइल अमाइन होता है हमारा तो ट्राई इथाइल अमाइन के अंदर जो लेमडा की वैल्यू होती है लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू होती है वो टू ट्वेंटी सेवन नैनोमीटर है और मिथेनोल के लिए जो लेडा की वैल्यू है जो मैक्स की वैल्यू है 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 वो नैनोमीटर कहने का मतलब पे ऑक्सीजन एटम तो वेवलेंथ जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हुई है वो कौन सी हुई एटी थ्री और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है वो कितनी है टू ट्वेंटी सेवन नैनोमीटर तो जैसा मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ पे क्या है ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम तो हमने डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की है मतलब जो हिट्रो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमें हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए और जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी वेव उतनी ही कम होगी तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर वेव जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है उसकी वेवलेंथ कम है और इसके केस में जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है वो ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है इसके बाद अभी हम देख रहे हैं ट्रांजिशन N2, N2 तो ट्रांजिशन कौन सी होगी जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एन से पाई स्टार में जा रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा रहे हैं मतलब पाई एंटीबोंडिंग मोलिकुलर और में जा रहे हैं तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स होंगे जिनमें n2π स्टार ट्रांजिशन हो तो n2π स्टार टाइप की जो ट्रांजिशंस होती है ये कौन से कंपाउंड्स के द्वारा शो की जाती है किन कंपाउंड्स में इस तरह की ट्रांजिशंस ऑब्जर्व की जाती है तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हेटरो एटम और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो ठीक है तो शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन द हेटरो एटम्स कार्बन एटम और हिट्रो एटम के बीच में क्या हो डबल बॉन्ड हो तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनमें एन टू पाइव स्टार ट्रांजिशन ऑब्जर्व होंगी फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है थायोकार्बोनाइल ग्रुप है नाइट्रोसो ग्रुप है अजाइड एजो ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप है इसमें हम देख रहे हैं कार्बन और इसके बीच में हेटरो एटम में डबल बॉन्ड है कार्बन और सल्फर ये हेटरो एटम में डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है इस तरीके से जब हेटरो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उस तरह के कंपाउंड में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑब्जर्व होती है इसमें क्या होता है कि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे ये लोन पेयर है ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस में चले जाते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर ये चले जाते हैं और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एन टू पाई स्टार वाली जो ट्रांजिशन है इसके लिए कितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है ये जो y एक्सिस पे है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी तो इसके लिए हमें सिर्फ इतनी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी कम है इन बाकी ट्रांजिशंस के कंपेरिजन में एन टू पाई स्टार के लिए जो हमें ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो काफ़ी लेस होगी तो दिस ट्रांजिशंस रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी इसके बाद इस तरह की जो ट्रांजिशंस होती है उनकी इंटेंसिटी काफ़ी लो होती है तो ये हमने यहां पे देखा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की सभी हमने देख ली है इसके बाद हमने ये भी बता दिया है कि फोर टाइप की ये जो transitions possible है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी ट्रांजिशन के लिए चाहिए हमें सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए क्योंकि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली हेल्ड दे आर टाइटली हेल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली मतलब सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे इसीलिए उनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक्साइट करवाना काफ़ी मुश्किल होता है और इसके लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमने सभी टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल होती है जब किसी भी सबस्टांस के ऊपर अल्ट्रावाइलेट रेडिएशंस को हम डालते हैं तो उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इसके बाद अभी हम देखते हैं अलाउड ट्रांजिशंस एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब किसी भी सबस्टानस पे अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन्स हम डालते हैं तो ऐसा हम मानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग मोलिकुलर और से एक्साइट होकर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है कि अगर सबस्टान्स ने रेडिएशन से एबजॉर्व की है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर ट्रांजिशन हो ही कई बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वहाँ पर नहीं होती है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी और कब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होंगी तो इन सभी के बेस के ऊपर हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है तो कौन सी दो कैटेगरीज है वो है अलाउड ट्रांजिशंस और फॉरबिडन ट्रांजिशंस तो अलाउड ट्रांजिशंस कौन सी होती है ऐसी ट्रांजिशंस जिसके अंदर जो एप्साइलन मैक्सिमम की जो वैल्यू है एप्साइलन को हमने क्या बताया था मोलर एब्जॉर्बिविटी मोलर एब्जॉर्बिविटी की जो वैल्यू होती है अगर वो टेन की पावर फोर से ज़्यादा होती है तो उन ट्रांजिशंस को, तो को बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन कि ऐसी ट्रांजिशंस जिनके लिए मोलर एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू टेन टू पावर फोर से ज़्यादा हो तो उन ट्रांजिशंस को बोलते हैं हम अलाउड ट्रांजिशंस और जो पाई टू पाई स्टार टाइप की जो ट्रांजिशन होती है ये किसका एग्जाम्पल है अलाउड ट्रांजिशंस का एग्जाम्पल है और इस तरह की जो ट्रांजिशंस होती है इनको हम मतलब इनके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है अलाउड ट्रांजिशंस के जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कहने का मतलब मेरा यहाँ पे सिंपल ये है कि अलाउड ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि भाई वो ट्रांजिशन होगी ही होगी कहने का मतलब ये अलाउड ट्रांजिशंस के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और फॉरबिडेंट ट्रांजिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई ट्रांजिशन होगी ही नहीं फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब ये है कि ऐसी ट्रांजिशंस जिनके होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो उनको बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस तो इसके बाद हम ये देख रहे थे पहले कि जो भी अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं उनके अक्रेंस की जो पॉसिबिलिटी होती है या जो प्रोबेबिलिटी होती है वो वेरी हाई होती है फॉर एग्जाम्पल पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो वन थ्री ब्यूटाडाइन में होती है वो किसका एग्जाम्पल है अलाउड ट्रांजिशन का इसी तरह अब हम आगे देख रहे हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशंस ऐसे ट्रांजिशंस होते हैं जिनमें जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू है वो लेस देन टेन टू पावर फोर होती है इनको बोलते हैं हम फॉरबिडन ट्रांजिशंस

कीटोन आर द एग्जाम्पल ऑफ फोरबिडन ट्रांजिशन की एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो ट्रांजेसाइड और कीटोन में होती है वो किसका एग्जाम्पल है फॉरबिडन ट्रांजेस का तो यहाँ पे हमने अलाउड और फोरबिडन ट्रांजेक्शन को भी डिस्कस कर लिया है